आज कारगिल युद्ध को पूरे हुए 20 साल, कारगिल दिवस पर देश भर में किया जा रहा है युद्ध के शहीदों को याद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वीर सपूतों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कारगिल दिवस के मौके पर सेना अध्यक्ष बिपिन रावत की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकियों की मदद की तो होगी कार्रवाई, कहा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से पाक को दिया था एक संदेश। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं पहुंच पाए द्रास, खराब मौसम की वजह से आज रोकी गई अमरनाथ यात्रा। श्रीनगर समेत कई दूसरे हिस्सों में सुबह से ही खराब बना हुआ है मौसम। कर्नाटक में सरकार बनाने की तैयारी में बीजेपी, बीएस येदुरप्पा ने की राज्यपाल वजूभाई वाला से मुलाकात, आज शाम को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ, मुलाकात कर सौंपा 105 विधायकों के समर्थन वाला पत्र। कर्नाटक में सियासी हलचल जारी, स्पीकर केआर रमेश कुमार ने 3 विधायकों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक किया अयोग्य घोषित। फंस सकते हैं सपा नेता आजम खान, बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा आजम को लोकसभा में रहने का कोई हक नहीं, बयान पर माफी मांगे आजम। कल आजम ने लोकसभा में सांसद के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी की आजम खान की सदस्यता रद्द करने की मांग, रेखा ने कहा सदन में आजम का बयान शर्मनाक। इसरो के वैज्ञानिकों ने दूसरी बार सफलतापूर्वक बदली चंद्रयान 2 की कक्षा, 22 जुलाई को लॉन्च के बाद पेरिजी 117 किलोमीटर और एपीजी 45,475 किलोमीटर पर किया गया स्थापित। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या, क्रिटिक से मिल रही है वाहवाही, फैंस से भी मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स। सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा क्रिएटिविटी की दुकान है कंगना राजकुमार की ये फिल्म। कृति सेनन और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म अर्जुन पटियाला बॉक्स ऑफिस पर रिलीज, डायरेक्टर रोहित जुगराज के साथ दिलजीत की तीसरी फिल्म। बॉलीवुड फिल्म बच्चन पांडे में नजर आएंगे अक्षय कुमार, फर्स्ट लुक आया सामने, अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी फिल्म। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को करारा जवाब, कश्मीर नहीं पाकिस्तान में मिलती आतंकियों को ट्रेनिंग, इमरान ने पाक में 30,000 से 40,000 आतंकियों को ट्रेनिंग मिलने की कबूली थी बात। अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद अब अंतरिक्ष की रेस में फ्रांस भी हुआ शामिल, बनाएगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल, फ्रांस की रक्षा मंत्री ने की घोषणा। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।